अभी आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? यस सर। ठीक है, ओके। हाँ भाई चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, जरा देखना एक बार। सेम वही क्वेश्चन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, पहला क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन है आपका। आंसर बताना जरा, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का संबंध एफ से बताना है आपको। तो ए प्लस बी डिवाइड सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई हैश एफ। करो भाई जल्दी से, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। एक मिनट वीडियो, हाँ भाई देखो जो लेट आया एक बार जरा देख लेना, मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या कर रहे हैं हम। एक ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं कोडेड रिलेशन। इसमें क्या होता है, आपको ये कंडीशन पेपर में मिलेगी लिखी हुई, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। अगर कंडीशन ऐसे दे रखी है जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे P प्लस क्यू, P इज द फादर ऑफ Q, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मगर कंडीशन अगर इस तरीके से है, मतलब P अगर पहले नंबर पे लिखा और Q लास्ट में लिखा है, तो क्वेश्चन आपको पीछे से शुरू करना है हमेशा। मगर अगर कंडीशन चेंज होती है, अभी चेंज वाली कंडीशन कराऊंगा, अभी सिर्फ यही ध्यान रखो कि अगर कंडीशन ये वाली है तो क्वेश्चन आपको पीछे से शुरू करना है, लास्ट से शुरू करना है, और क्वेश्चन आपको हमेशा अपने ऊपर लेना है। और जैसे आप अपने ऊपर क्वेश्चन लोगे आपका क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे करना है, जब आप शुरू करोगे क्वेश्चन, जो ये एफ है ये एफ आप हो, मगर आपको स्टार्टिंग में ये नहीं पता आप लड़का हो या लड़की हो, आपको नहीं पता, वो हो सकता है आगे पता चल जाए और हो सकता है ना भी पता चले, मगर हमें ये निकालना है, हमें ये नहीं निकालना कि आप उसके क्या लगे, हमें निकालना है ये ए एफ का क्या लगा, मतलब ए आपका क्या लगा। अब करना कैसे है क्वेश्चन को जरा देखो, ये जो साइन है ये सारी वैल्यू डालो जो ये लिखा है, जैसे प्लस साइन है, प्लस की वैल्यू फादर है, फादर है तो प्लस की जगह फादर लिख दो, मतलब इसके नीचे लिख दो सर। इसका आंसर वो खुद ही है ना? हाँ, खुद नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें आंसर सबसे बड़ी बात सेल्फ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, इसका आंसर कभी भी सेल्फ नहीं हो सकता। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो ए बी सी डी ई एफ, मतलब एफ अलग आदमी है, ई अलग आदमी है, डी अलग है, सी अलग है, बी अलग है और ए अलग है, यहाँ पर सारे आदमी अलग अलग है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो। हाँ एक बार सुनो, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो अगर मैं लिखूं कि ए प्लस बी, मैं कुछ भी लिखूं, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं अपना खुद का भाई हूं, ये नहीं बोल सकते हम कभी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करना है, तो क्या कह रहे हो, इसका आंसर तो सेल्फ आ रहा है, सेल्फ नहीं हो सकता आंसर, मैं बता रहा हूँ सुनो मेरे। हाँ बहुत बढ़िया, फादर डिवाइड हो जाएगा सिस्टर मल्टीप्लाई ब्रदर, डिवाइड हो जाएगा सिस्टर और हैश हो जाएगा डॉटर। अब करना कैसे है जरा ध्यान से समझना, अपने ऊपर लेना है आपको क्वेश्चन और अपने ऊपर लेके सारे क्वेश्चन का आंसर देना, देखो कैसे, और इसका आंसर कभी भी सेल्फ नहीं होगा। जैसे एक बार रुको, इसे करने से पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, जरा देखना है। मैं अगर ऐसे लिखता हूं पी, देखना एक बार, प्लस क्यू स्टार, एक मिनट ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी स्टार सी। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं जरा समझना एक बार, यहां पर मैं ये बोलता हूं ये क्या है, ये फादर हो जाएगा, ये सन हो जाएगा। अब देखो आप क्या बोलोगे, सुनो यहां पर, आप कभी भी ना इसका आंसर सेल्फ, इस टॉपिक में, इस वाले में कभी भी आंसर सेल्फ नहीं बनेगा। क्यों, मैंने आपको बताया था आप क्वेश्चन पीछे से शुरू करोगे जो सी है,
ये जो सी है आपको ये नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपको नहीं पता आप लड़का है लड़की हो। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, मेरा बेटा, ठीक है, मेरा बेटा बेटे के पापा, बेटे के पापा बताओ क्या लगे, आपके बेटे के पापा आपके क्या लगे, हस्बैंड, हस्बैंड लगे। मतलब आप इसे, आपको क्या पता चल गया कि आप जो हो लेडीज हो, मतलब आप जो हो फीमेल हो। यहाँ पे दोबारा समझना, मेरा बेटा है और बेटे के पापा, आप ये अगर आप सोच रहे हो कि लड़का बन के क्वेश्चन सोच रहे हो तो आप आंसर सेल्फ लगा दोगे इसमें। मैंने क्या बताया था, जब आप शुरू करोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि लड़का हो या लड़की हो। तो मेरा बेटा और बेटे के पापा हस्बैंड, इसका मतलब ए सी का हस्बैंड है। अगर मैं यहां पर लगा दो माइनस लगा देता इधर, अब ये मदर हो जाएगा, तो अब मैं बोलूंगा मेरा बेटा मेरे बेटे की मम्मी, बेटे की मम्मी क्या लगी आपकी, बताओ भाई, बोलो भाई, बेटे की मम्मी वाइफ लगी, इसका मतलब ए सी की वाइफ लगी, मतलब ए वाइफ है, मतलब ए फीमेल हो गई और सी मेल हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें आंसर कभी भी सेल्फ नहीं हो सकता। अब यही चीज हमारी इस क्वेश्चन में लगने वाली है जो मैं बता रहा हूँ। पीछे से शुरू करो क्वेश्चन और अपने ऊपर लेते जाओ, देखो कैसे, मेरी बेटी, ठीक है, बेटी, बेटी की बहन क्या लगी बताओ भाई, बेटी, 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 बेटी का भाई, बेटा, बेटी की बहन, बेटी, और बेटी के पापा क्या लगे बताओ, बेटी, हस्बैंड, बेटी के पापा क्या लगे आपके, फादर, हस्बैंड, हस्बैंड लगे। अच्छा, इसका मतलब आंसर आएगा हस्बैंड। इसमें आंसर कभी भी सेल्फ नहीं लगाना, बस ये ध्यान रखना, आंसर कभी भी सेल्फ नहीं हो सकता, इतनी चीज ध्यान रखना। मैं मेरी जेंडर के हिसाब से सोच रहा था, इस वजह से होगा। हाँ नहीं, अपने हिसाब से, मतलब आपको ये नहीं सोचना कि आप लड़का हो या लड़की हो, वो हो सकता है, मैंने बोला था ना, हो सकता है आपको लास्ट तक आगे पता चल जाए और हो सकता है ना भी पता चले। तो यहाँ पर तो आगे पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे जो ये एफ जो है ये फीमेल है, मतलब एफ जो है ए की वाइफ है, समझे भाई। बोलो भाई, क्लियर है सबको? यस सर। चले आगे, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हाँ, बोलो बोलो। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, क्या बनता है, देखो ऐसा ही कुछ बनेगा क्वेश्चन अगला भी, तो ध्यान से करना, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक। इसका आंसर क्या है, ए ए एफ की सॉरी हस्बैंड लगा, ए एफ का हस्बैंड लगा। लो भाई, करना अगला क्वेश्चन, सेम यही है, ए एफ का क्या लगा, करो ए एफ का क्या लगा, सेम क्वेश्चन है इसका, जल्दी से। करो भाई जल्दी, अपने ऊपर लो क्वेश्चन, मतलब जब आप क्वेश्चन करो ना तो अपनी फैमिली पे ले जाए करो क्वेश्चन को, मतलब फैमिली में के बारे में सोच लिया करो कि जो भी आपको, जैसे आपका भाई है तो आपके भाई माइंड में आ जाए, मतलब ऐसा कुछ करो, आपको लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। सर ग्रैंडसन क्या आ रहा है, ग्रैंडसन देखते हैं, इसमें डालते हैं वैल्यू, सन स्टार हो गया, सिस्टर हैश हो गया आपका, डॉटर प्लस हो गया फादर और स्टार हो गया सन। अच्छा, ये वाला टॉपिक ना ज्यादातर पता है किसको आसान लगता है, ये वाला टॉपिक ज्यादातर जो शादीशुदा लेडीज होती है ना उनको बहुत आसान लगता है, क्योंकि वो एक्चुअली सारे रिश्तों में बंधी हुई होती है, उनको पता है कि कौन सा रिश्ता किसका क्या है। सही कहा भाई, नहीं कहा, जो शादीशुदा है बताओ। सर बिना शादी के भी आसान, बिना शादी के भी आसान है। सही, चलो भाई देखो क्या क्वेश्चन है, देखना एक बार करते हैं इसको, पीछे से शुरू करो क्वेश्चन, अपने ऊपर ले जाएंगे। मेरा बेटा, ठीक है, बेटे के पापा बताओ भाई क्या लगे, बेटे के पापा बताओ, हस्बैंड, हस्बैंड, मतलब बोलोगे बेटे के पापा हस्बैंड, हस्बैंड की बेटी,
बोलो भाई बहन हस्बैंड की बेटी बहन बहुत बढ़िया बेटी 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 होती है सर बेटी की बहन बेटी 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 का बेटा क्या लगेगा बेटी आपकी बेटी का बेटा बताओ ग्रैंडसन ग्रैंडसन बेटी का बेटा या तो हिंदी में बोलो तो नाती बोलते हैं और इंग्लिश में बोलो तो ग्रैंडसन नाती हिंदी में बोलो तो नाती कहते हैं इसको बेटी का बेटा नाती बेटी का बेटा पोता और अगर बेटे का बेटा होता है तो उसको पोता कहते हैं बेटी का होता है तो नाती कहते हैं बेटे का होता है तो पोता कहते हैं ठीक है ये ध्यान रखना क्लियर है भाई बताओ सबको कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हुआ हो सबको रिश्ते समझ आ रहे हैं यस सर यस सर समझ आ रहे हैं सर हाँ चलो फिर अगला क्वेश्चन करके दिखाओ एक मिनट भाई क्वेश्चन दे रहा हूँ अगला आपको चलो अगला करना भाई क्वेश्चन जरा ध्यान से करना अगला क्वेश्चन लिखना भाई क्वेश्चन देखो ए हैश बी माइनस सी स्टार डी प्लस ई डिवाइड एफ हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ सेम क्वेश्चन है करो जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या आएगा सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ आज की वीडियो मिल जाएगी आज की वीडियो हाँ रिकॉर्ड तो हो रही है मिल जाएगी थैंक यू सर एफ के बाद भी कुछ है सर नहीं एफ है बस खाली हाउ इज एफ रिलेटेड ए रिलेटेड टू एफ ए एफ का क्या लगा जल्दी से वैल्यू डालो सारी सोल्व करो क्वेश्चन सर सिस्टर सिस्टर आ रहा है बहुत बढ़िया सही होगा आंसर सिस्टर बहुत अच्छे अच्छा किसी के पास जितने हैं स्टूडेंट बैठे हैं किसी के पास हिस्ट्री का इंग्लिश में लिखे हुए नोट्स हैं क्या नीतीश सर वाले किसका सर हिस्ट्री के इंग्लिश में लिखे हुए नोट्स हैं क्या नीतीश सर वाले मेरे पास है सर इंग्लिश में लिखे हुए ना जी सर ठीक है तो एक काम करना मेरे को ना सेंड कर देना ठीक है सर ठीक है ना वो पूरा एक बार वो पीडीएफ जो जैसे भी मतलब या तो फोटो भेज देना या पीडीएफ बना के जैसे भी भेजना है वैसे भेज देना सर वो यूट्यूब वाले भी भेजने हैं या खाली यही वाले भेजने हैं जो क्लास में चल रहा है जो अभी जो क्लासेस में चल रहा है ना वो वाले भेज ठीक है सर ठीक है ना हां भाई हुआ ना ये वाला क्वेश्चन तो करते हैं देखो क्वेश्चन करते हैं एक बार पीछे से स्टार्ट करो मेरी बहन बहन के पापा बताओ भाई क्या लगे पापा पापा फादर क्या बेटा भाई ब्रदर भाई भाई की मम्मी मम्मी और मम्मी का मम्मी की बेटी सिस्टर 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 की बेटी सिस्टर तो आंसर आएगा इसका इसका मतलब ए एफ की सिस्टर लगी कर लोगे भी ऐसे क्वेश्चन यस सर अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता एक जरा समझना क्या चेंज कर लगे इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये चेंज कर देता जैसे मैं अगर आपसे पूछ लेता हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए मतलब एफ एफ ए का क्या लगा
मतलब आप उसके क्या लगे। ये तो जैसे आपने मुझे बता दिया कि ए एफ की सिस्टर है, मतलब ए आपकी सिस्टर है, तो आप उसके क्या लगे बताओ, ब्रदर है, बताओ भाई, ब्रदर ब्रदर। मैंने क्या बोला था, आप जब क्वेश्चन शुरू करोगे क्या आपको ये पता है कि लड़का है लड़की है, सिस्टर नहीं सिस्टर ब्रदर दोनों है। आपको लास्ट तक पता चला कि आप लड़का हो या लड़की हो, ये बताओ पहले तो। नो सर, हमें ये तो पता है कि ए एफ की बहन है, मगर हमें ये नहीं पता कि एस ए का क्या है। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, भाई ब्रदर और सिस्टर, या तो भाई या बहन, पक्का नहीं है, ध्यान रखना, मतलब दोनों में से एक। आप ऑप्शन में आपको मिलेगा ब्रदर और सिस्टर, एक ऑप्शन में ये मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा गया ए एफ का क्या लगा तो आप मेरे को बड़े आराम से बता दोगे सिस्टर, मगर अगर इसने क्वेश्चन उल्टा कर दिया, एक बार ऊपर चेक भी कर लेना क्वेश्चन पूछा क्या गया है, अगर इसने पूछा है लास्ट वाला कि भाई एफ ए का क्या लगा, मतलब आप उसके क्या लगे, ये जो लास्ट वाला एफ है ये आप हो, ये ध्यान रखना। अगर पूछा कि आप उसके क्या लगे तो वहां पर आपको देखना है कि आपको आपके बारे में आपको पता है या नहीं कि लड़का है लड़की, पता है या नहीं, तभी क्वेश्चन करना। क्लियर है भाई, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन सर जेन से वो सर ए क्या सर, इसको ऐसे करके सकते हैं क्या, जैसे आपने बोला ना हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, हां तो इसको ए जो हमने ए हैश बी माइनस सी लिखा है तो उसको ऐसे ही करके भी देख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सीधा अगर देखोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं सीधा तब देखना है जब ये कंडीशन चेंज होगी, ये वाली कंडीशन चेंज होगी, ध्यान रखना। अभी ये कंडीशन ऐसी की ऐसी है, इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन पीछे से ही शुरू करना है आपको, लास्ट में आके देखना है आपको कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, वो लास्ट में आके देखना है कि ए के बारे में पूछा जा रहा है या एफ के बारे में पूछा जा रहा है, वो आगे से तब देखना है जब ये कंडीशन चेंज होगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना अगले वाला, वो कंडीशन चेंज होगी आपकी, फिर आपको फ्रंट से शुरू करना है, मतलब ये आपको पीछे से ही शुरू करना है, बस लास्ट में आके चेक करना है कि किसके बारे में किससे पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन देता हूँ ऐसे, इसके तो क्लियर हो जाएगी ये चीज, है ना, जब तक करोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं। हाँ भाई, दो अगला क्वेश्चन ऐसा ही बोलो, एक और क्वेश्चन देता हूँ करके देख, लिखो भाई अगला क्वेश्चन, लिखना जरा, लिखना जरा अगला क्वेश्चन, यही सेम है क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ ए का क्या लगा, मतलब क्वेश्चन तो आपको शुरू करना है, बस लास्ट में जाके चेक करना है कि आप उसके क्या लगे। ए स्टार बी मल्टीप्लाई सी हैश डी माइनस ई स्टार एफ, करोगे एफ ए का क्या लगा, मतलब आप पहले तो ये चेक कर लो कि ए क्या लग रहा है, ए के हिसाब से अपना चेक कर लो भाई आप क्या लग रहे हो, सबसे पहले आप ए के हिसाब से चेक कर लो जैसे आप नॉर्मल चेक करते हो, पीछे से स्टार्ट करो आगे तक ले जाओ क्वेश्चन को, जिसका आ जाए वो बताओ आंसर। पोता पोता आ रहा है, मतलब ए पोता आ रहा है या आप उसके पोते लगे सर, ए पोता नहीं आ रहा सर, एफ पोता आ रहा है, एफ एफ पोता आ रहा है, चलो देख लेते हैं भाई, अबे डन, देखो करते हैं इसको, यहाँ पहले वैल्यू डाल लेते हैं, स्टार हो गया सन, सर ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, चलो भाई देखते हैं ग्रैंडफादर है ये क्या है, स्टार हो गया ब्रदर और फिर स्टार हो गया सन। अब देखो भाई स्टार्ट करते हैं पीछे से,
यहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। मेरा बेटा, ठीक है, बेटे की मम्मी क्या लगी बताओ भाई? बीवी। इसका मतलब आपको ये पता चल गया आप हस्बैंड हो, आप मेल हो, तो यहाँ पर मेल लिख देना लास्ट में कि आप मेल हो, ताकि पता चल जाए आप मेल हो। मेरा बेटा बेटे की मम्मी वाइफ हो भाई, वाइफ की बेटी बताओ भाई क्या लगी? बेटी का भाई बेटा और बेटे का बेटा पोता। सबसे बड़ी बात आप मेल हो, दादा, तो आप उसके दादा लगोगे, आप उसके ग्रैंडफादर, क्योंकि आपको पता है आप मेल हो और मेल है तो मतलब ग्रैंडफादर ही होगा, ध्यान रखना ये चीज। इसमें तो आपने कहा था कि आगे से काउंट करना है। नहीं, मैंने कब बोला आगे से काउंट करना है? मैंने ये बोला जब कंडीशन ये चेंज होगी तब आगे से शुरू करना है, कंडीशन थोड़ी चेंज करी है मैंने, कंडीशन तो वही है। आपको क्वेश्चन पीछे से ही शुरू करना है, बस लास्ट में आके आपको ये देखना है कि किसके बारे में पूछा गया है, ए के बारे में पूछा गया है या एफ के बारे में पूछा गया। सर इसका आंसर दोनों होगा ना, एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ ए और ए इज ग्रैंडसन ऑफ एफ। एफ, हाँ दोनों निकाल सकते हो आप आंसर इसमें। ठीक है सर, डन में ही कर लोगे? यस सर। यस सर। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद कंडीशन चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका कंडीशन चेंज करते हैं इसके बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, और एक बार नहीं कम से बहुत बार आया हुआ एग्जाम में ये। रुकना भी एक बार जरा। लिखना भाई, ए स्टार बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी into E minus F, करो भाई। और आंसर बताओ भी क्या आ रहा है। ब्रदर आ रहा है, देखते हैं भाई। देखो मैं पीछे से शुरू करूंगी क्वेश्चन को। मेरी मम्मी, ठीक है, मम्मी का भाई क्या लगा बताओ भाई? मामा की बहन मेरी, देखो मम्मी तो यहीं पे आ गई है, अब मम्मी आगे ही आएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक बंदा एक भी डिनोट करता है, ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। मेरी मम्मी, मम्मी आ गई, मम्मी आगे नहीं आएगी, मम्मी का भाई मामा दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि दो मामा हो सकते हैं, मगर दो मम्मी नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, दो मासी भी हो सकती है, दो मम्मी नहीं हो सकती। मेरी मम्मी, मम्मी का भाई मामा की बहन मासी का भाई मामा, और मामा का बेटा मामा का बेटा कजन। मगर इसने आपसे क्या पूछा है? पूछा है एक ए के बारे में नहीं बताना है, आपको बताना है आप उसके क्या लगे, बताओ क्या लगे, का क्या लगेगा, क्या लगे बताओ? बुआ कजन ही तो लगेगा, कजन। अरे जब ए आपका कजन है तो आप भी तो उसके कजन ही हुए। यस सर। तो बस फिर कजन आएगा।
क्योंकि देखो इंग्लिश का रूल है कजन ब्रदर कजन सिस्टर कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। कई स्टूडेंट बोलते हैं कजन मेरा कजन ब्रदर है, मेरा कजन सिस्टर है, इंग्लिश का रूल है कजन ब्रदर कजन सिस्टर कभी भी नहीं होता, कजन ही बोलते हैं उसको। अबे डन बताओ भी जल्दी से। यस सर यस सर यस सर। अब कंडीशन चेंज करेंगे। कंफ्यूजन है सर। क्या बोलो क्या कंफ्यूजन है बोलो। सर एफ का ए कजन लगा और ए एफ का ए एफ का कजन लगा ना। हाँ तो एफ अगर ए आपका कजन लगा तो आप उसके क्या लगे बताओ भैया। आपके मामा का लड़का आपका क्या लगता है ये बताओ। कजन कजन। तो और आप क्या लगे अपने मामा के लड़के के। कजन। तो बस वही तो है, जब ए एफ का कजन है तो एफ भी आपका कजन है, मतलब दोनों कजन ही तो आपस में। ठीक है सर। ठीक है भाई। हाँ जी सर। यस सर। चलिए आगे चले आगे। चलो भाई एक मिनट भाई, अब जरा मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। उस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो रही है, देखना भाई इसको मैं हटा रहा हूँ। अगली कंडीशन लिखना भाई सारे, दूसरी कंडीशन चेंज हो रही है। लिखना भाई जरा कंडीशन लिखो सारे। ए प्लस बी इसका मतलब है बी इज द फादर ऑफ ए। A माइनस बी, बी इज द मदर ऑफ ए। A मल्टीप्लाई बी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। A डिवाइड बी, बी इज द सिस्टर ऑफ ए। A star B तो मतलब होगा B is the son of A। A hash B इसका मतलब होगा B is the daughter of A। हाँ भाई अब देखो क्या कंडीशन चेंज दिख रही है आपको, बताना एक बार। जो पहले वाली कंडीशन थी और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है दोनों कंडीशन में देखो। यस सर। यस सर। पहले वाली कंडीशन में चेंज हो गई, यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो गई, मतलब ये बी जो लास्ट में था वो पहले आ गया और ए शुरू में था वो लास्ट में चला, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई, कंडीशन चेंज हो गई। तो जब ऐसे हो जाए, जब कंडीशन चेंज हो जाए मतलब इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो क्वेश्चन आपको फ्रंट से शुरू करना है, आगे से शुरू करना है, और जब वो वाली कंडीशन हो जो इससे पहले करी है तो क्वेश्चन आपको पीछे से शुरू करना है। अब आपको क्वेश्चन शुरू से स्टार्टिंग से शुरू करना है बिल्कुल। करो एक बार लिख लो इस कंडीशन को, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। हो गया सर। डन। चलो भाई अब इसमें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाउ इज पी रिलेटेड टू यू। पी का संबंध बताना है यू से, तो कंडीशन लिख रहा हूं मैं, यू माइनस पी हैश एस प्लस आर स्टार क्यू हैश पी। ये मैंने कंडीशन लिखी यहाँ पर, और इसने पूछा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू यू। पी का संबंध यू से बताना है हमें, ठीक है। अब ये कैसे करना है जरा देखना भाई। अब आपको क्वेश्चन आगे से शुरू करना है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं फिर देखना, आगे से शुरू करना है यहां से, और जब आप आगे से शुरू करोगे क्वेश्चन को तो जैसे आप जब पीछे से शुरू करते थे तो जो एफ था वो आप थे,
और आप जब आगे शुरू करोगे ये जो यू है ये आपको, ठीक है, अब यहाँ से शुरू करो तो यहाँ से माइनस की वैल्यू डालते हैं मदर, स्टार की वैल्यू हो जाएगी डॉटर, हैश की वैल्यू डॉटर, प्लस फादर, स्टार सन और हैश हो जाएगा डॉटर। अब आप आगे से शुरू करोगे ये यू आप हो और लास्ट में जाके पता चलेगा पी आपका क्या होगा। तो स्टार्ट करो, मेरी मम्मी, मम्मी की बेटी, बताओ भाई क्या लगी, सिस्टर, सिस्टर के पापा, सिस्टर के पापा, पापा, फादर, पापा का बेटा भाई, और भाई की बेटी, भाई की बेटी बताओ भाई क्या लगी, नीज, नीज, तो नीज कहते हैं भतीजी, हिंदी में बोले तो भतीजी और इंग्लिश में कहते हैं नीस, ध्यान रखना, मतलब भतीजे को कहते हैं नेफ्यू, ठीक है, भतीजा और दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखो आगे से शुरू करो क्वेश्चन को, यहाँ से स्टार्ट करो, मेरी मदर मम्मी, मम्मी की बेटी बहन, बहन के पापा पापा, पापा का बेटा भाई, और भाई की बहन, भाई की बेटी क्या लगी बताओ, भाई की बेटी, भाई की बेटी भतीजी, भतीजी लगी ना, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं नीस और हिंदी में कहते हैं भतीजी, ठीक है, ध्यान रखना है, मतलब भतीजे को बोलते हैं नेफ्यू और भतीज उसको बोलते हैं नीस, ध्यान रखना, भांजे को, हाँ बोलो बोलो, क्लियर है भाई बताओ, यस सर क्लियर है, समझ गया ना कंडीशन क्या चल रही है, मतलब नॉर्मल करोगे तो ऐसे शुरू करना, वैसे पीछे से शुरू करना, वैसे अगर दूसरी कंडीशन हो। चलो भाई अगला लिखना है क्वेश्चन, जरा एक और ऐसे ही क्वेश्चन करके देखो, एक मिनट भी अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन। करो भी अगला क्वेश्चन, अगला लिखना कंडीशन क्या है, लिखो भाई, यू मल्टीप्लाई टी प्लस एस स्टार आर डिवाइड क्यू स्टार पी, सेम यही है, How is P related to you? P आपका क्या लगा? करो भाई। भतीजा, भतीजा देखते हैं सही हो सकता है, करो भाई आगे से शुरू, मेरा भाई, भाई के पापा पापा, पापा का बेटा भाई, भाई की बहन बहन, और बहन का बेटा, बहन का बेटा बताओ भाई, नेफ्यू, नेफ्यू, भांजा बोले हिंदी में तो भांजा, नेफ्यू, भांजा, भांजा बोले इंग्लिश हिंदी में, नेफ्यू हो जाएगा इंग्लिश में, अब बताओ एग्जाम में फ्री का नंबर है या नहीं है टॉपिक का, यस सर, डीएसएसबी में बहुत आते हैं क्वेश्चन और दिल्ली पुलिस में भी आने के चांस हैं। पर आजकल ये साइन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब पहले वाले जैसे नहीं रहे ना, जैसे पहले फोटो में देखकर एक लड़की ने इशारा करा उस तरह के नहीं है ना, पहले वो पहले आया करते थे, आजकल ये आते हैं, होता क्या है ना जिसको नहीं पता ना उसके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, जी जी, जिसको नहीं पता कम से कम एक क्वेश्चन को वो 5 से 6 मिनट लगा देगा, और आप मुश्किल से एक क्वेश्चन आप मेरे को नहीं लगता आप 10 सेकंड से ज्यादा भी लगाओगे इसको। चलो एक और क्वेश्चन करो, करना भाई, यू माइनस टी हैश एस
डिवाइड आर प्लस क्यू डिवाइड पी, करो भाई जल्दी। हो गया भाई? हो गया सर। यस सर। आंसर बताओ, आंसर बताओ। बुआ बुआ बता रहे हैं। बुआ बुआ रहे हैं। बुआ बहुत बढ़िया। देखो भाई करते हैं स्टार्ट। मम्मी, मम्मी की बेटी बहन, बहन की बहन बहन, बहन के पापा और पापा की बहन पापा की बहन बुआ। तो हिंदी में बुआ बोलेंगे, इंग्लिश में आंटी बोलेंगे। आंटी देखो भाई इंग्लिश में सारी आंटियां होती है, मम्मी को छोड़ के सब आंटी है, मासी मासी मोती चाची सब आंटी होती है, ध्यान रखना। यस ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी आसान है, सारी एक ही भाषा, इनको जरूरत नहीं पड़ी हमारे लिए, सोचो कितनी हिंदी वालों के लिए कितनी मुश्किल है। कोई बुआ है, कोई फूफा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हमें समझना पड़ता है, यहाँ पे इन्हें समझना ही नहीं है, इनके लिए सब एक बराबर है। नहीं सर हमारी ठीक है ना, हमारी हमारी तो अच्छी है, हमारी हिंदी तो बहुत अच्छी है, इंग्लिश तो भाषा ही घटिया है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। कंफ्यूजन नहीं है, भाषा ही बेकार है, इन्हें कुछ सिस्टम का नहीं पता इंग्लिश वालों को, क्या सिस्टम का पता है बताओ। हम भाई हमारी भाषा में आदर है, मतलब एक रिस्पेक्ट है, बड़ों को आप बोलते हैं, छोटों को तुम बोलते हैं, रिस्पेक्ट है। यहाँ पर बड़ों को भी यू कहते हैं, छोटों को भी यू कहते हैं, इमोशन नहीं है इंग्लिश में, है ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी हमारे इंडिया वाले इस भाषा के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब जिसको आजकल तो इंडिया में यही चल रहा है कि जिसको ये भाषा नहीं आती वो क्या है, बंदा ही गलत है, वो बंदा नहीं, वो अनपढ़ है। अरे सर ये अंग्रेज अंग्रेजी छोड़ गए, यही तो हुआ है कि अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। एक लैंग्वेज के बेस पे, एक भाषा की बेस पे किसी को मतलब एक वो करा जाता है कि भैया ये गवार अनपढ़ है बोला जाता है, एक लैंग्वेज के बेस पे किसी की नॉलेज नहीं चेक करी जाती। चलो जो भी है, अब क्वेश्चन देखो चेंज कर रहे हैं, हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, वही वाला क्वेश्चन है, करना आगे से ही शुरू है मगर आपको लास्ट में ये बताना है कि आप उसके क्या लगे, ठीक है ना। क्वेश्चन इस कंडीशन के हिसाब से आगे से शुरू होगा क्वेश्चन, वही वाली चीज आ गई जो अभी पढ़ी थी। क्वेश्चन करो, यू हैश टी मल्टीप्लाई एस डिवाइड आर हैश क्यू मल्टीप्लाई पी, सेम वही पूछ रहा है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, आप लास्ट में निकाल लो कि पी आपका क्या लगा, उसके हिसाब से बता देना आप उसके क्या लगे, करो भाई। जल्दी से खत्म करो इसको, करो भाई। ग्रैंडसन आ रहा है सर इसमें, ग्रैंडसन आ रहा है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, ग्रैंड ग्रैंडफादर, चलो देखते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं यहां से, मेरी बेटी, बेटी का भाई बेटा, बेटे की बहन बेटी, बेटा ठीक है, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी क्या लगी,
ग्रैंडडॉटर ग्रैंडडॉटर ठीक है नातिन नातिन का भाई नाती नाती इसका मतलब पी जो है इसका नाती लगा ग्रैंडसन लगा मगर क्या आपको पता चला कि आप उसके क्या लग रहे हो क्या लड़का और लड़की पता चला आपको ये बताओ पहले नो सर नानी या नानी नो सर इसका आंसर क्या आएगा या तो आप ग्रैंड ग्रैंड मदर या फादर या आप ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि पी आपका क्या लगा आपसे पूछा कि आप उसके क्या लगे और आपको लास्ट तक ये नहीं पता चला कि आप लड़का हो या लड़की हो अगर मेल होता तो ग्रैंडफादर हो जाते फीमेल होती तो ग्रैंडमदर हो जाती जब पता ही नहीं चला तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है सर इसमें मैटरनल और पैटर्नल का भी डिफरेंस होता है हाँ होता है मैटरनल पैटर्नल होता है जैसे अगर मैं बोलू नाना नानी तो नाना और नानी को बोलूं तो ये मटर्नल हो गए मतलब ये मम्मी की तरफ से होता है नाना नानी और अगर मैं बोलूं दादा दादी तो ये होते हैं पैटर्नल पापा की तरफ से होते हैं ठीक है अगर मैं मामा की बात करूं मामा मम्मी की तरफ से होता है इसलिए मैटर्नल हो जाएगा अगर मैं चाचा की बात करूं तो चाचा पापा की तरफ से होता है इसलिए पैटर्नल आ जाएगा मतलब जो मम्मी की तरफ से है उसमें पैटर्नल लग जाता है और जो पापा की तरफ से उसमें पैटर्नल लग जाता है P4 पापा P4 पैटर्नल M4 मम्मी M4 मैटर्नल समझ गए यस सर अभी पैटर्नल पैटर्नल वाले आएंगे अभी क्वेश्चन आ गए अभी आएंगे अभी तो हमने एक पार्टी करा इसका क्लियर है भाई यस सर क्लियर चले आगे चलो अगला करते हैं क्वेश्चन जल्दी से इस पार्ट को खत्म करते हैं होने वाला ये वाला टाइप का पार्ट आपका ये टाइप नहीं है कि पूरा टॉपिक है आपका ये कोडेड रिलेशन ये ब्लड रिलेशन का टाइप नहीं बोलूंगा मैं इसको पूरा टॉपिक बोलूंगा एक पूरा टॉपिक है ये बुक में देखोगे तो अलग मिलेगा आपको टॉपिक अगला क्वेश्चन देखता हूँ इसमें चलो भाई करना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई U#T multiply S divide R multiply Q plus P लो भी करो सेम वही है आप उसके क्या लगे जल्दी से हस्बैंड है सर मल्टीप्लाई हो गया ब्रदर डिवाइड हो जाएगा सिस्टर मल्टीप्लाई ब्रदर और प्लस हो जाएगा क्या आपका फादर तो देखते हैं क्या आएगा मेरी बेटी Father. बेटी का भाई बेटा ठीक है बेटे की बहन बेटी बेटा बेटी का भाई बेटा और बेटे के पापा बेटे के पापा हस्बैंड बेटे के पापा क्या लगे हस्बैंड इसका मतलब बेटे के पापा हस्बैंड ही तो लगे यस सर ना हस्बैंड इसका मतलब पी यू का हस्बैंड अगर पी यू का हस्बैंड है तो यूपी का क्या लगा बताओ भाई वाइफ वाइफ आंसर वाइफ आ गया कर लोगे भैया अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बताओ ये पार्ट छोड़ के तो नहीं आओगे यस सर नो सर यस सर ठीक है ना ये छोड़ने लायक नहीं है पार्ट ध्यान रखना और देखो ये भी नहीं है जरूरी ये भी सुन लेना ये भी जरूरी नहीं है कि आपसे वो हमेशा लास्ट और पहले का पूछे हो सकता है आपसे वो ये पूछ ले कि यू ये पूछ ले ये पूछ सकता है कि यू आर का क्या लगा या आर यू का क्या लगा तो बता सकते हो बीच में से हाँ जी सर जैसे आपसे अगर शुरू और लास्ट का नहीं पूछा तो आपसे बस आपसे क्वेश्चन पूछा यहाँ तक देखो आपसे क्वेश्चन यहाँ तक पूछा है बता सकते हो बताओ मेरी बेटी बेटी का भाई बेटा बेटी और बेटी की बहन बेटा बेटी की बहन
तो आंसर बेटी आ गया, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपसे वो लास्ट तक पूछे, बीच में से भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं। कर लोगे भाई? बोलो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है ना, उसको कहते हैं हम ट्री, फैमिली ट्री से क्वेश्चन। वैसे एक क्वेश्चन इसमें और भी आता है, जैसे टाइप, दो टाइप और बचे हैं इसमें। एक टाइप तो फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, और एक जो बनता है ना उसमें आते हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, जिसमें बोलता है कि इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसका फलाने का ढिमके का ये लगा, तो बताओ उसका उससे क्या संबंध है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। बड़ा आसान है वो भी, मगर इससे पहले देखते हैं जरा कुछ चीजें। सबसे पहले टाइप वन, जो टाइप टू है वो टाइप वन लगा लो उसको, टाइप टू। इसको कहते हैं हम फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री क्या है जरा ध्यान से समझना, ठीक है। फैमिली ट्री होता क्या है? तो फैमिली ट्री ऐसे बनेगा, मतलब ये ना क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं कि हमें वहां पे एक ट्री बनाना पड़ता है, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन करना, ठीक है। ये फैमिली ट्री क्या है? ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी ये होगी ग्रैंड की, जैसे दादा दादी नाना नानी, मतलब जो एज में बड़े होते जाएंगे वो ऊपर ऊपर होते जाएंगे। ये वाली जो लाइन होगी वो आएगी मदर, फादर, अंकल, आंटी, जो भी होगा ये आएगा। ये वाली जो लाइन होगी ये आएगी सन, डॉटर, जो भी लाइन आएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। मतलब जो बड़े होंगे वो ऊपर ऊपर, और जो छोटे होंगे वो नीचे नीचे आते जाएंगे। और एक और चीज ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन करेंगे तो वो मेल फीमेल का भी ध्यान रखना है। तो मेल, फीमेल और मैरिड, ये तीन चीज ध्यान रखना। अगर मेल हो तो उसे प्लस से डिनोट कर देना, फीमेल हो तो माइनस से कर देना, और अगर मैरिड हो तो उसको ऐसे डिनोट कर देना, दोनों साइन ऐसे, मतलब पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन में कि ये दोनों मैरिड है। क्योंकि जब हम ट्री बनाएंगे ना तो हो सकता है ट्री थोड़ा सा बड़ा बन जाए और फिर वहां पर क्वेश्चन करने में दिक्कत आए, तो पहले ही हम एक ट्री बना के रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन किसका क्या है, तो वहां पे दिखेगा साफ साफ। एक बार इसको बना लो, फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। एक बार इसको लिख लो फटाफट। सर ये मदर फादर के आगे क्या लिखा है आपने? कहां पर मदर फादर अंकल आंटी? आवाज बंद करो भाई, म्यूट करके बात करो भाई। सर किसी की दाल की सीटी बज रही है। हाँ म्यूट करके करा करो भाई जो करना है। अभी करें स्टार्ट ये वाले क्वेश्चन। यस सर। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे फैमिली ट्री बनाना है आपको मैं दिखाता हूँ जरा, किस तरीके से ये क्वेश्चंस करने होते हैं, देखना। बड़ा आसान होता है ये भी, ये तो बड़ा आसान होता है, फैमिली ट्री बनाना सबसे ज्यादा आसान है। तो देखो अभी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं पहले क्या है, जैसे पहले कंडीशन लिख रहा हूँ, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई हैं, सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी दोनों बहनें हैं, ए सन ए का बेटा इज डीज ब्रदर, ए सन इज डीज ब्रदर, ए का बेटा डी का भाई है, देन हाउ इज B related to C, तो B का संबंध C से क्या होगा, तो B का संबंध C से क्या होगा। अब देखो ये बनाना कैसे, एक बार जरा ना इधर देखो सारे, इसका कैसे करना होता है इसको। सबसे पहले पहली लाइन देखो, A and B are brothers, A और B दोनों भाई है, तो सबसे पहले आप ऐसे बना लो A और B भाई है, मतलब दोनों एक साथ होंगे, एक ही लाइन में होंगे, कोई बड़ा नहीं है, भाई मतलब एक ही लाइन में रहेंगे दोनों, और भाई है तो मतलब इसके पास ऊपर प्लस लगा दो, इसके ऊपर प्लस लगा दो। आगे लाइन बोलिए C and D are sisters, तो C और D को अलग से बना लो, मतलब मैं यहीं पे बना लेता हूं इसको ऐसे करके, C and D are sisters, तो इसको बना लो, दोनों को माइनस लगा दो। अब इसने ये बोला है कि जो A का बेटा है वो D का भाई है,
मतलब जो ए का बेटा होगा वो डी का भाई होगा। अब ए का कोई बेटा है, हमें नहीं पता वो कौन है, ठीक है, ए का कोई बेटा है, मगर वो किसका भाई है, डी का भाई है, वो डी का भाई है। बोलो भाई क्लियर है, बेटा है इसलिए मैंने नीचे बनाया, और ये किसका भाई है, डी का, इसका मतलब ये तीनों एक लाइन में आएंगे। बोलो भाई यहां तक क्लियर है जो फैमिली ट्री बनाया मैंने, एक बार देखो ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि भाई एक सीधी सी बात है, अगर ये डी का भाई है तो सी का भी भाई होगा, इसका मतलब ये तीनों भाई बहन है। अब आपसे पूछा क्या गया, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, ये जो बी है वो सी का क्या लगा, बताओ भाई क्या लग रहा है, ए और बी दोनों भाई है, और ये दोनों, ये तीनों किसके बेटे हैं, ए का बेटा है, तो और बी ए का भाई है, तो बताओ बी का सिंबल सी से बताओ क्या लग रहा है, अंकल, 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 अंकल लगे हैं, चाचा, चाचा या ताऊ जो भी बोल सकते हो, तो आंसर आएगा अंकल, इसका मतलब बी सी का अंकल। तो फैमिली ट्री से यही फायदा हो जाता है, हमें दिख रहा होता है कौन क्या। एक बार दोबारा रिपीट कर दो, ए से समझाना सर, ए से, देखो जो दोबारा बनाता हूं सर, एक बार रिपीट कर दो। हाँ देखो, सबसे पहले पहली कंडीशन पढ़ो, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों भाई है, तो आप बना दो एक लाइन में, भाई है मतलब दोनों एक ही लाइन में होंगे, एक ही लाइन में रहेंगे क्योंकि भाई है, ए और बी आर ब्रदर्स, दोनों के ऊपर प्लस लगा दो क्योंकि दोनों भाई है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी अलग है तो इसको अलग बना लो, सी को और डी को हम अलग बना लेते हैं ऐसे करके, दोनों सिस्टर है तो दोनों के ऊपर माइनस लगा देते हैं। अब अगली कंडीशन पढ़ना, जो ए का बेटा है, ए का बेटा, ए का बेटा मतलब ए के यहाँ पे नीचे आएगा, ये आ गया ए का बेटा, और आपको नहीं पता, इसने बताया नहीं है ए का बेटा कौन है, तो ए का बेटा ये एक खाली ब्लैंक बना दो इसको, ये ए का कोई बेटा है, वो किसका भाई है, डी का भाई है, जो ए का बेटा है वो इसका भाई है, वो इसका भाई है, इसका मतलब ये तीनों कौन हुए बताना, बोलो भाई, भाई बहन, ये तीनों भाई बहन हुए, सीधी सी बात है। चलो हमें पता चल गया कि भाई ये वाला बंदा, ये सी और डी तीनों भाई बहन हुए, और ये तीनों किसके बेटे बेटी है, ए के बेटे बेटी है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा, ये बताओ बी सी का क्या लगा, जो ये बी है वो सी का क्या लगा, भाई ए के तो तीनों बेटा बेटी है ठीक है, तो ए तो फादर हो गए, तो मगर ये बताओ ये बी सी का क्या लगा, बी ए का भाई है, बताओ क्या लगा, अच्छा चाचा या ताऊ लगे, चाचा तो इसका मतलब अंकल आ जाएगा, डन भाई, डन सर, चलो बहुत बढ़िया आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो भाई, गिवन दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ए इज द मदर ऑफ पी, ए बी की माता है, सी इज द सन ऑफ ए, सी ए का बेटा है, डी इज द, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई बी की बेटी है। तो आपसे पूछा है फाइंड ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी की दादी कौन होगी, तो डी की दादी कौन होगी ये बताना है आपको। पहले इसका फैमिली ट्री बना लो एक बार, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बनाते जाओ, अगर बड़ी है मदर है तो वो ऊपर, बेटा है तो उसका नीचे, करते जाओ क्वेश्चन, आसान है बिल्कुल, ज्यादा मुश्किल नहीं, ध्यान से करोगे हो जाएगा। Are we done?
अच्छा कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि कल वो बहुत स्टूडेंट्स का वर्क वगैरह होगा तो वो आ नहीं पाएंगे इसलिए कल आपकी क्लास नहीं होगी, इसलिए कल की जगह मैंने आज ले लिया क्लास। ठीक है परसों ही होगी आपकी मंडे को। कल दिल्ली पुलिस की क्लास ले रहे हो क्या सर? कल देखते हैं डिसाइड करेंगे बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो कोई लड़की नहीं है ना, है क्या कोई लड़की दिल्ली पुलिस की बताना भाई? नहीं सर मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। सर सीपीओ का है मेरा दिल्ली पुलिस। मैं सीपीओ तो अभी तो लेट है, अभी तो कहाँ है एग्जाम का। देखेंगे अगर दिल्ली पुलिस की होगी तो बता देंगे। सर ए आंसर क्या आ रहा है? ए देखते हैं, देखो क्वेश्चन करना एक बार, इसका डायग्राम बनाते हैं जरा। ए इज द मदर ऑफ बी, देखो भाई मैं नीचे बना रहा हूँ एक बार देखना। ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है बी की मदर है तो ए को ऊपर बनाओ बी को नीचे बनाओ। ठीक है ए मदर है तो ए के ऊपर माइनस लगा दो। अब ये बनने के बाद हमें पता चल जाता है कि ए मदर है। ठीक है सी इज द सन ऑफ ए, सी जो है ए का बेटा है तो सी को इसी के नीचे बनाएंगे, सी को भी सी ए का बेटा प्लस लगा देंगे ऐसे। बोलो भाई क्लियर है? यहां तक क्लियर है ये बताओ पहले। अब क्या बोला इसने? डी इज द ब्रदर ऑफ ई, अब हमें नहीं पता डी का है ई का है तो उससे अगली लाइन पढ़ लो पहले। ई इज द डॉटर ऑफ ई, ई जो है वो बी की डॉटर है तो बी ये रहा, ई नीचे आ जाएगा तो ई जो है बी की बेटी है। चलो और डी जो है ई का भाई है और डी जो है वो ई का भाई है तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब मुझसे क्या पूछा है बताओ डी की दादी कौन है? तो भाई देखो साफ साफ दिख रहा है, चेक करो पीढ़ी दिख रही है आपको, ये दोनों भाई बहन होंगे, ये कोई मम्मी पापा जो भी होंगे, ये उसकी मम्मी है, ये मतलब बी की मम्मी है तो इसकी दादी कौन हुई डी की बताओ भाई? दिख रही है सबसे ऊपर ए, तो ए आ गया बस खत्म। मतलब ट्री बनाने के बाद आपको पीढ़ी दिखनी शुरू हो जाती है, ये तो बेटा बेटी हो गई, ये उसके मम्मी पापा वाली पीढ़ी हो गई, ये दादा दादी वाली पीढ़ी हो गई, तो दादी पूछा है तो ए आ गया आंसर। Are we done? Bolo. Yes, sir. चलो भाई एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसको फिर खत्म करते हैं। इसके क्वेश्चन फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा मैं, इसकी फोटो भेज दूंगा आपको क्वेश्चन भी खींच के तो आप प्रैक्टिस करना है। लिखना भी क्वेश्चन लिखना, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ध्यान से लिखना। ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ए सी का पिता है बट सी इज नॉट हिज सन, मगर सी उसका बेटा नहीं है। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई इज द डॉटर ऑफ सी, एफ इज द स्पाउस, स्पाउस मतलब होता है जो हस्बैंड वाइफ वगैरह होते हैं। ठीक है ए पत्नी, पत्नी एफ बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो है वो सी का भाई है। डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का बेटा है। जी इज द स्पाउस ऑफ बी, ठीक है, और एच इज द फादर ऑफ जी, एच जो है जी का पिता है, एच इज द फादर ऑफ जी।
अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, भाई क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन, ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की दादी कौन हुई, पहला क्वेश्चन। सेवन एट सेकेंड क्वेश्चन, सन ऑफ एफ, एफ का बेटा कौन है, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक कंडीशन, इसके ऊपर पहले ट्री बनाओ एक बार फैमिली ट्री, उसके बाद क्वेश्चन करो, फैमिली ट्री बनते ही क्वेश्चन हो जाएगा। सर ग्रैंड हो गया भाई। सर पहली लाइन कंफ्यूजन कर रही है, पहली लाइन कंफ्यूजन कर रही है, क्या कंफ्यूजन है बताओ। सर ए इज द फादर ऑफ सी, ए पिता सी का, बट सी बेटा नहीं है, सी बेटा नहीं है तो बेटी हो सकता है। अच्छा अच्छा चलो भाई देखो एक बार बनाता हूं मैं, देखना। ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है वो सी का पिता है, तो ए को ऊपर बनाना और सी को नीचे, और ए के ऊपर प्लस करना लिखना, और सी के बारे में नहीं पता तो सी के बारे में कुछ मत लिखना, अब सी के बारे में आगे लिखा, बट सी उसका बेटा नहीं है। अब ये नहीं है कि सोतेला है, मतलब बेटा नहीं है तो इसका मतलब बेटी होगी, तो इसका मतलब सी के ऊपर माइनस लगा दे। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है सी की बेटी है, इसका मतलब ये नीचे आ जाएगी, ये माइनस लग जाएगा। F is the spouse of A, इसका मतलब F जो है वो A की पत्नी है, और पत्नी है मतलब मैरिड है, तो इसको ऐसे बना देना, ध्यान रखना ये प्लस माइनस ऐसे बना देना। B is the brother of C, B जो है C का ब्रदर है, इसको ऐसे बना देना, ब्रदर है मतलब साथ में है। D is the son of B, D जो है C का B का बेटा है, तो प्लस आ जाएगा। G is the spouse of B, G जो है वो B का वाइफ है, जी की बी, अभी जी जो है वी की वाइफ है। एंड एच इज द फादर ऑफ जी, एंड एच इज द फादर ऑफ जी, देखना भाई क्लियर है, देखना एक बार बन गया सबका डायग्राम, यही बना है। यस सर, यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन डी की दादी कौन है, तो देखो भाई दादी कौन है बताओ, डी की दिख रही है पीढ़ी, देखो एफ एफ, तो डी की दादी एफ हो जाएगी, ये एफ है, और बोला है क्या सन ऑफ एफ, एफ का बेटा कौन है बताओ भाई, बी, जल्दी बी, बी, ये तो बेटी है तो ये भाई है उसका, तो बेटा ही हो गया बी, बी। अच्छा अगर मैं एक और कुछ क्वेश्चन पूछूं तो बताना इसमें से, बी का ससुर कौन है, एच, एच का ससुर, बहुत बढ़िया, बी की वाइफ एच हो गई, एच ससुर हो गया। आगे बताओ ई का कजन कौन है, डी का कजन, ई का कजन डी है ना, तो सारी चीजें हाँ डी है, बहुत बढ़िया, सारी चीजें बताई जा सकती है एक बार ये ट्री बनाकर। क्लियर है सबको यहाँ तक, बोलो जल्दी। यस सर क्लियर है। यस सर, क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, इसकी प्रैक्टिस करना इस टाइप की, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको, आपको तरीका पता चल गया किस तरीके से करने हैं चीजें। अब इसका एक लास्ट टाइप बचा है जिसमें होते हैं क्वेश्चन जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं उसके, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी तो आप इतनी प्रैक्टिस करना जितने कराए, और इसके क्वेश्चन और वो वाले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको दोनों टाइप के ना चैलेंज, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है भाई, तो आज के लिए फिर इतना ही छोड़ते हैं, इसको रिवाइज जरूर कर लेना जितना कराया। सर कल कोई क्लास होगी, कल बता दूंगा भाई, अभी कुछ नहीं कह सकता, एक बार नीतीश सर से मैं पूछ लूंगा, अगर नीतीश सर क्लास लेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है सर, दिल्ली पुलिस का बैच अलग बना रहे थे ना क्लासेस का, हाँ अलग अलग बनेगा ना,
सर एक बात कहनी थी कि सीपीयू में ना सर उसका साइंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, तो सर अभी साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है। हां तो साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई अभी, हां हो गई कुछ टाइम। जी सर, जी सर, साइंस तो हो गई, वेटेज तो हर किसी का ही है कुछ ना कुछ। देखो हर चीज ज्यादा आती है, हो सकता है साइंस में ऐसे तो ज्यादातर जो ज्यादा आता है वो बायो आती है कई बार, मगर कई बार कुछ दिक्कत आती है कि नहीं भी आती। तो जीएस पे तो विश्वास कर ही नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है कुछ भी नहीं आ सकता जीएस पे तो। करंट अफेयर और ये साइंस का थोड़ा रहता है। हाँ किसी कभी कभी ऐसा होता है करंट अफेयर ज्यादा आ जाते हैं, कभी ऐसा आता है कभी कुछ ज्यादा आ जाता है, तो कुछ विश्वास कर नहीं सकते उसके। जीएस पे तो विश्वास है ही नहीं भाई, जीएस पे तो ये सोच के चलना कि जो पढ़ा है वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो भैया बहुत मुश्किल हो जाता उसके अंदर क्योंकि कुछ भी पूछता है जीएस के अंदर, कुछ भी पूछता है कहीं का कहीं भी उठा लेगा। इटली का प्रेसिडेंट पूछ लेगा आपसे, बोलेगा नोरू का प्रेसिडेंट बताओ, कुछ भी पूछ लेगा, पागल होता है जीएस में कुछ भी पूछता है। चलो भाई फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? चलो भाई।